हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएलपी में। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं एक नई ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में, जिसमें हम लोग एमएसपीएस के कुछ अलग तरीके के एरर्स को सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो पहला ट्यूटोरियल वीडियो था, उसके अंदर मैंने कंसिस्ट एरर को सॉल्व किया था, तो इसमें भी हम लोग एक नए तरीके के एरर को सॉल्व करते हैं। एंड गाइस, ये जो वीडियो है ये काफी दिनों के बाद आ रही है, मतलब YouTube में मेरा कुछ अभी अपडेट नहीं हुआ, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एंड इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के बाद, ये ट्यूटोरियल वीडियो है, इसके बाद मैं आपको एक जर्नी का वीडियो डालूंगा। तो वो जर्नी का वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्यों नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि ये जो मेरा टूल्स एंड फीचर है, ये इसी का एरर को मैं सॉल्व करने में लगा था, मेरा एरर ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अब सॉल्व हुआ है, तो मैं पहले वीडियो डाल रहा हूँ ट्यूटोरियल का, उसके बाद हम लोग जर्नी करेंगे। तो पहले तो एरर जान लेते हैं। तो ये हमारा एडिटर एंड टूल्स, एंड हमारा जो कंसिस्ट एरर है और ट्रेन डाटाबेस एरर है वो तो वही है, एंड मैं वही सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं जो मैंने पहले वीडियो में कहा था। तो अभी हम लोग एक्टिविटी यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक एक्टिविटी बनाने ली है, न्यू पे जाइए और हम लोग वही रूट यूज करेंगे, वेस्टर्न रेलवे वर्जन 7 रूट, एंड इसको नाम देंगे टेस्टिंग। एंड इसको कॉपी भी कर लेंगे। तो हमारा जो एडिटर है वो खुल चुका है। तो गाइस, इसमें हम लोग टेस्ट करेंगे, कोई सा भी स्टेशन ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ एरर बताना है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं संत रोड। तो ये है संत रोड, ये संत रोड है। तो पहले तो आपको एक एक्टिविटी बना ली है छोटी सी। तो यहाँ एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेस्टिंग रखूंगा और ब्रीफ में भी टेस्टिंग रखूंगा। एंड पहले तो सर्विस बना लेते हैं। एंड कंसिस्ट तो मेरा वही तरीका, मैंने कंसिस्ट 1.5 सॉफ्टवेयर से बनाए हैं, तो वही इस कंसिस्ट इसमें अच्छे से वर्क करते हैं। तो मैं यूज करता हूं अवंतिका, अवंतिका एक्सप्रेस को मैं यूज कर रहा हूं। एंड पाथ बना लेते हैं। तो हम लोग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं सिर्फ टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ एरर दिखाना है। तो गाइस, अब इसको कोई सा भी नाम देते हैं, इसको भी टेस्टिंग, इसको भी टेस्टिंग। तो संत रोड में रुकेंगे, गोधारा जंक्शन में भी रुकेंगे, एंड सामाखायला भले हम लोग नहीं चलाएंगे, फिर भी डाल दिया है मैंने, तो 12 बजे ही चलाएंगे। तो पहले तो इसको सेव कर लेते, क्योंकि अब हमारा जो एरर है वो आने वाला है। तो इसको टेस्टिंग के नाम से सेव करने के बाद अब आप लोग एरर देखिए, ट्रैफिक ट्रेन को एड करते हैं। पहले एडिट पे क्लिक कीजिए और न्यू पे क्लिक कीजिए। तो गाइस, हमारा जो एडिटर है अब वो एरर शो कर रहा है, एरर नहीं मतलब सीधे बंद हो रही है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर 1.4 हैज स्टॉप्ड वर्किंग। वो क्यों है, हमारा जो ट्रैफिक एडिटर है, मतलब हमें जब भी ट्रैफिक का जो सर्विस बनाना होता है, मतलब हमें ट्रैफिक ट्रेन चलवानी है, हमारी ट्रेन से क्रॉस करवानी है, तो वो ट्रैफिक ट्रेन का जो सर्विस है वो ये नहीं बना पा रहा है। मतलब हम लोग इस एडिटर से नहीं बना पा रहे, मतलब डायरेक्टली नहीं बना पा रहे हैं, डायरेक्ट एक एक्ट से। तो इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको बताता हूं, और यही एरर है। अगर आपको कोई और एरर मिलता है वो मुझे बताइए कमेंट्स में। तो इसको क्लोज भी प्रोग्राम कर देते हैं। तो अब उस एरर को सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से खोलेंगे टूल्स एंड एडिटर, क्योंकि वो जो एरर है वो इसी एडिटर में ही छुपा है, मतलब उस एरर का सोल्यूशन भी इसी एडिटर में है। एंड गाइस, ये जो मैंने कोई प्रोफेशनली नहीं ढूंढा है, ये तो मैं तो ऐसे ही टेस्ट कर रहा था, मेरा काम नहीं कर रहा था, मैं सोचा कि रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये तो एक बार ऐसे टेस्ट किया था तो काम आ गया था। तो हम लोग वही रूट लेंगे, क्योंकि वही रूट होना चाहिए, क्योंकि हमें सर्विस बनाना है। सर्विस के अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं, नेम, कंसिस्ट एंड पाथ। पाथ हमारा होना चाहिए वही रूट जिस रूट में हम लोगों ने हमारा जो टेस्टिंग एक्ट है बनाया था। अगर आप कोई और रूट ले लेते हैं, जैसे वेस्टर्न बे रूट, तो वो जो सर्विस है वो उस वाले पे काम नहीं करेगा। तो इसको ओके, एंड इसको लगते हैं ट्रैफिक। तो हमारा खुल चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना है,
आप लोगों को अब ये कुछ भी नहीं भरना है, एडिट डिस्क्रिप्शन आपको ये कुछ भी नहीं भरना है, भरना तो भर लीजिए, बस मैं इतना ही भरूंगा। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सर्विस बनानी है। तो इसको सर्विस नाम देते हैं ट्रैफिक, और इसको 99 पे रखते हैं, एंड इसका जो शुरुआत स्पीड है वो आपको 99 पे चलते हैं। तो ये जो कंसिस्ट, ये एक मालगाड़ी रहेगा, तो मैं यूज करूंगा BCN 2 फ्राइट, एंड पाथ हम लोग नया बनाएंगे। एंड अगर आपको वो जो ट्रेन अभी ये जो सर्विस बना रहे हैं ये आपके ट्रेन के साथ चाहिए, तो हमें वही स्टेशन यूज करना पड़ेगा जो स्टेशन हमने यूज किया था टेस्टिंग एक्ट में। अगर आप हमने संत रोड यूज किया था उसमें, अगर हम इसमें ट्रेन को पाथ आनंद जंक्शन से देते हैं, तो ट्रेन को जो टाइमिंग दी है लगभग 12 बजे, तो ये जो ट्रेन है ना 12 बजे आनंद जंक्शन पे खड़ी हो जाएगी। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो हम मतलब खुद को क्रॉस करवाना है, ये ट्रेन हमें क्रॉस करेगी, तो हम ये ट्रेन संत रोड को क्रॉस करेगी। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए गाइस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ। 99 की स्पीड से स्टार्ट होगा इसका स्पीड एक्शन, एंड ये संत रोड को विद 99 की एक्शन से क्रॉस करेगी। इसको भी ट्रैफिक का नाम दे देते हैं, लीव पाथ एडिटर, डू यू वांट टू सेव पाथ, यस। एंड ये कहीं नहीं रुकेगी, मैं इसको आखिरी स्टॉप रतलाम देता हूं, एंड आपको कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मली सेव कर लेना है। एंड गाइस ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अगर जिसको भी ये प्रॉब्लम आता है, एक्टिविटी नॉट कंप्लीट, सम डाटा हैज बीन नॉट सेट, सो द एक्टिविटी नॉट ओके। तो गाइस वो यू क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें जो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन और एक्टिविटी ब्रीफ है ये भरा नहीं है, तो आपको इसको फिर से बंद कर लेना है। आपको बंद कर लेना ये, सॉरी गाइस वो मेरा जो माउस है शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई है, तो मुझे इसीलिए वो क्लिक करने पे आ नहीं रहा था। तो गाइस अब हमें हमारा जो सर्विस है वो बन चुका है ट्रैफिक का, एंड अब हमें क्या करना, फिर से वही खोलना है, फिर से हमारा ये जो ट्रेन से इडिलेटर है ये फिर से खोलना है। इस बार हम लोग वही एक्ट यूज करेंगे जैसे टेस्टिंग एक्ट यूज किया था ना, वही यूज करेंगे। ओपन में जाएंगे, वेस्टर्न रेलवे वर्जन 2 एक्टिविटीज, हमारा था टेस्टिंग एक्ट, तो टेस्टिंग के नाम से ओपन कर लीजिए इसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने पाथ पहले से बना के रखे, टाइमिंग बना के रखे, आपको डायरेक्ट न्यू पे जाना है ट्रैफिक के, वहां पर ये फिर से डालना ट्रैफिक, उसके बाद एडिट पे क्लिक कीजिए। अब आपको न्यू पे कुछ क्लिक नहीं करना है, अगर आप फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से हैंग होकर बंद हो जाएगा। तो आपको एरो पे क्लिक करना है, उसका नाम क्या रखा था हम लोगों ने, ट्रैफिक, इधर पे नाम ढूंढिए ट्रैफिक का, ये दीजिए गाइस ये है ट्रैफिक, तो ट्रैफिक रखा और इंसर्ट सेलेक्टेड सर्विस। तो 12 बजे हम लोग स्टार्ट किया, तो मैं भी इसको 12 बजे ही देता हूं क्योंकि ठीक टाइमिंग पे, और ये जुड़ गया है। एंड अब इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, सेव, अब इसको एग्जिट कर लीजिए। तो ऐसे आप लोग अपना जो ट्रैफिक सर्विस कभी काम नहीं करे तो आप लोग उसको ऐसे जोड़ सकते हो।